हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में। जी हां गाइस, यहां पे पटना यूनिवर्सिटी 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, सिलेबस किस तरह से चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी 2022 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी 2022 के रिगार्डिंग हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी इवेंट रहे, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कोई भी आज आप लोगों का इवेंट आता है, कोई भी डेट्स रिलीज होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई हम यहाँ से इस चैनल के थ्रू करेंगे। इसलिए मेक श्योर कीजिए अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पटना यूनिवर्सिटी 2022 के हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि कौन से कोर्सेज यहाँ पे आपको पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इस तरह के कई सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है ऑनलाइन मोड में, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, किस तरह से रिलीज होगा, कौन सी वेबसाइट पे किस तरह फिल करना है, क्या प्रोसेस है, वो वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए एग्जाम की, तो एग्जाम आप लोगों का ऑफलाइन मोड में कैसे यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम रहेगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों का स्टेट भी यहाँ पे बता दे, बिहार में यहाँ पे आप लोगों का पटना यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे लोकेट है, एड्रेस यहाँ पे बता दो, रजिस्टर पटना यूनिवर्सिटी बिहार इंडिया में आप लोगों की यूनिवर्सिटी लोकेट है। अब गाइस यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, वो भी वो तो प्रोफेसर डॉक्टर रश बिहारी पीजी सिंह यहाँ पे जो इनके वाइस चांसलर है। अब गाइस यहाँ पे हमने हाइलाइट्स डिस्कस कर ली पटना यूनिवर्सिटी की। अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के डेट्स के बारे में। सो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक पटना यूनिवर्सिटी 2022 की जो डेट्स है अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन गाइस जैसे यहाँ पे डेट्स अनाउंस होगी तो डेट्स अनाउंस जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स रिलीज करेगी, अनाउंस करेगी, तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, वीडियो बना के आप लोगों को तुरंत हम नोटिफाई कर देंगे। लेकिन इसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हम आसानी से आपको जो है अपडेट करके नोटिफाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस आप लोग यहाँ पे जो पटना यूनिवर्सिटी 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अगर आप कोई भी गलती करते, कोई मिस्टेक करते, कोई इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो अब उसके लिए क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद पेरेंट्स डिटेल्स एंटर करनी होती है, फिर उसके बाद गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स मीन्स एकेडमिक डिटेल्स एंटर करनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर उसके बाद आप लोगों को लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करना रहेगा। अब गाइस ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप बराबर फॉलो करोगे तब जाके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा पटना यूनिवर्सिटी 2022 का, तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल करके बताया जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप नाम एंटर करने से लास्ट फाइनल सबमिशन, एप्लीकेशन फी पे करने तक, इवन एप्लीकेशन फी भी आपको पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किया आपने ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी गाइस यहाँ पे 500 रुपीज रहेगी और प्रोस्पेक्टस आप लोगों की फीस यहाँ पे 550 रुपीज प्रोस्पेक्टस फीस आप लोगों की यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस आपको बता दूं अगर आप इस यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना कंपलसरी मस्ट है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीएससी हॉन्स, बीकॉम हॉन्स, यहाँ पे हर कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हर एक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो गाइस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हम, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी थी, वहाँ से कंप्लीट एलिजिबिलिटी अपने प्रिस्क्राइब कोर्स के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं।
देन तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। लाइक आप लोगों का यहाँ पे जो है गाइस 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 50% रहना चाहिए, 45% रहना, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये गाइस परसेंटेज जो है डिफर करता है कोर्स वाइज। अगर आप यहाँ पे जो है BA हॉर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 45 मिनिमम परसेंटेज है। उसी तरह से गाइस अगर आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका जो है मिनिमम परसेंटेज कुछ अलग होगा। और डिस्क्रिप्शन में से लिंक के हिसाब से आप कंप्लीट एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे सिंपली उस एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। टोटल 1.5 यानी कि 1.5 आवर आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं रहने वाली है। आपका जो पेपर है दो लैंग्वेजेस में डिवाइड है, इंग्लिश और हिंदी। जो भी लैंग्वेज आप चाहे वहाँ पे उस लैंग्वेज के हिसाब से अपना पेपर दे सकते हैं। पेपर टोटल यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा और 100 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाएगी यहाँ पे सिलेबस की। तो आप लोगों का जो सिलेबस है करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, इन सारे टॉपिक्स में से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस पूरा कंप्लीट सिलेबस की लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से पूरा कंप्लीट सिलेबस आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिट कार्ड की बात करेंगे। सो गाइस आप लोगों का पटना यूनिवर्सिटी 2022 का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन आप लोगों को एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने 3 से 4 प्रिंटआउट निकाले हुए एडमिट कार्ड के। पर गाइस यहाँ पे क्या सीन होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड आप लोगों का रिलीज हो चुका है। और अगर पता चलता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है तो किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है, कौन सी लिंक है, ये सारी डिटेल्स उन्हें नहीं पता होती। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो में आप लोगों को जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सेम एज इट इज फॉलो थे यहाँ पे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। प्लस आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताई जाएगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारा भी उसमें पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।